गुड मॉर्निंग एवरी वन मैं सौरभ श्रीवास्तव अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप लोग का सबका स्वागत करते हैं ये सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग ने एस टी स्टार्ट कर दी है बर्रा वाली ब्रांच में तो जो स्टूडेंट ने एस एस सी का बैच अभी भी ऑनलाइन नहीं ज्वाइन किया है या ऑफलाइन नहीं क्लास ज्वाइन करी है एडमिशन नहीं लिया है सो so, प्लीज़ अपना एडमिशन अपनी सीट लॉक करवा दें क्लियर हो गई बात हम लोग क्या एस एस सी सी जी एल एस एस सी जी डी और कमिंग सी एच एस एल सबकी एस टी स्टार्ट कर दी गई है सो so प्लीज घर में समय ना बर्बाद करें आप जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवाएं। ऑफलाइन में बैच फुल हो रहे हैं बराबर ठीक है चलिए आज अपना क्वेश्चन लाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दिए गए चित्र में एक्स बाई थ्री बराबर वाई बाई फोर बराबर जेड बाई फाइव जहां एंगल डी सी क्यू बराबर एक्स है क्वेश्चन कह रहा है और एंगल बी सी पी ये बी सी पी नहीं है ये एक्चुअल यहाँ पे होगा एंगल बी पी सी बी पी सी इसका मान वाई दे रखा है एंगल डी क्यू सी इसका मान जेड दे रखा है और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जेड इनका सबका आपको मान निकालना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पहले तीस सेकंड आपके उसके बाद में हम लोग चलिए स्पीड से सॉल्व करिएगा जो जितनी तेज कर सकता हो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो गया चलिए सॉल्व करिए आज स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो तीस सेकंड यही आदत हम लोग को लेके आनी है पंद्रह से बीस सेकंड में अंदर आई होप आप लोग ने जिन लोगों ने कर लिया होगा उनका आंसर आ गया होगा अदरवाइज अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको ये वैल्यू गिवन थी क्या x बाई थ्री एक रेशियो कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं x बाई थ्री बराबर वाई बाई फोर बराबर जेड बाई फाइव अगर इस वैल्यू को हम k मान के चले तो आपको एक्चुअल कुछ नहीं भी है x की वैल्यू कितनी है थ्री टाइम्स के की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी फोर टाइम्स के और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे टाइम्स क्लियर हो गई बात अब इस पॉइंट को जरा देखिएगा ये कह एंगल बी पी सी की वैल्यू कितनी दे रहा है एंगल डी सी क्यू डी सी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखा है इसने एक्स दे रखा है एंगल डी क्यू सी डी क्यूसी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने यहाँ पे जेड दे रखा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख पाओगे इन ट्राइंगल ए पी और डी में इन तो हम कह सकते हैं ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों मिलके वन एट्टी होने चाहिए ये अगर वाई है तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एंगल क्या बनेगा एक ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी आपको सिखाया है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल कहीं ना कहीं ये कितना बना सकते हैं एक्स प्लस जेड बन जाएगा

टू एक्स का मतलब हो गया छह चार दस पांच पंद्रह तो हम कंप्लीट कहेंगे 15 का मान कितना हो गया? छत्तीस तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बारह चौक अड़तालीस डिग्री फोर्टी एट जेड की वैल्यू यहाँ पे, पे कितनी हो जाएगी बारह पंचे साठ सिक्सटी डिग्री तो हम कह सकते हैं इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा छत्तीस अड़तालीस और साठ क्लियर हो गई बात आई होप क्लियर हो गया होगा तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा अगली स्क्रीन पे ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई छह गुना बढ़ा दी जाए तथा आधार का क्षेत्रफल एक बटे नौ भाग